भागलपुर जिले में 3 महीने बाद सोमवार को देर शाम एक साथ कोरोना के 19 मामले सामने आए। सबौर प्रखंड के रानी तालाब से एक ही परिवार के 11 सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि शहरी क्षेत्र के 8 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिनके बाद रानी तालाब में संक्रमित क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर सिविल सर्जन के नेतृत्व में वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कोरोना सैंपल लिया जा रहा है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के मुताबिक 115 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 2 लोग और संक्रमित पाए गए, जिनके बाद अब भागलपुर में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 21 पहुंच गई है। बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी ने क्राइसिस मैनेजमेंट की आपात बैठक करते हुए स्वास्थ्य विभाग और सभी विभागों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। कोरोना के प्रभाव को देखते हुए कोविड-19 के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर हेम शंकर शर्मा ने कहा कि लोग कोरोना गाइडलाइंस को भूल चुके हैं, नतीजन महीनों बाद एक साथ इतने मामले सामने आए हैं। मित्रों, मुझे लगता है कि अभी की सिचुएशन ऐसी है कि हम लोगों को दूसरे आंधी के लिए, कोरोना की आंधी के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि आंधी का पहला चरण दिखाई पड़ने लगा है। और इस चरण के तहत जो हम लोग बहुत ही शांति से बैठे हुए थे इतने दिनों से कि कभी एक केस मिल रहे हैं या कभी केस कई कई दिनों तक नहीं मिल रहे हैं, कोई पॉजिटिव केस नहीं मिल रहा है, वो बातें अब लगता है कि बीती हो गई और अब पुनः कोविड के केसेस हमारे आने लगे हैं, जो बहुत ही ये गंभीर संकेत दे रहे हैं। गंभीर संकेत ये हमें प्राप्त हो रहे हैं कि कोविड पुनः अपना पांव पसार रहा है और ये सबके लिए एक लाल सिग्नल या रेड सिग्नल है। आपने देखा कल एक ही परिवार में 11 केस मिल गए और कुल भागलपुर में 19 केस आ गए, और जबकि पिछले विगत कई सप्ताह से एक भी केस नहीं मिल रहे थे या एक आध केस मिल रहे थे। तो तैयार हमें ये होना है कि जो हमारे कोरोना के जो दूसरा अटैक या दूसरा एपिसोड या दूसरा स्टॉर्म कह सकते हैं आप इसको, जो भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र में, केरल में, पंजाब में, हरियाणा में और कुछ हद तक छत्तीसगढ़ में देखे जा रहे हैं, उनसे हमारे यहाँ के लोगों के आवागमन के चलते, जिस पर कि कोई प्रतिबंध दिखाई नहीं पड़ता है, प्रतिबंध शायद लागू है लेकिन ये प्रतिबंध दिखाई नहीं पड़ते हैं, इन प्रतिबंधों में कमी की वजह से, हमारे अनुशासन में कमी की वजह से, हमारे मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन को भूल जाने की वजह से हम पुनः कोरोना के आगोश में जाने को लगभग तैयार बैठ चुके हैं। सर, कहाँ से वो लोग आए हुए थे? ये लोग तो छत्तीसगढ़ से पता चला है कि इसके पहले भी छत्तीसगढ़ के कई 2-3 पेशेंट्स को मैंने देखा है जो छत्तीसगढ़ से आए थे शादी विवाह में। भागलपुर के लोग भी छत्तीसगढ़ गए थे और वहाँ से लेकर आए थे। व्यापारी वर्ग के 2 पेशेंट थे जो मैंने देखा था 7-8 दिन पहले। उसके बाद जो फिर दूसरे कुछ केसेस मिले हैं वो कोर्ट के कर्मचारी थे और उनको हुआ, संभवतः वो भी किसी छत्तीसगढ़ वाली भोज में गए थे और वहाँ से लौटे हैं। तो हो रहा है भागलपुर में ज़्यादातर अभी जो केसेस आ रहे हैं वो उनका लिंक कहीं ना कहीं से छत्तीसगढ़ से ही ज़्यादा मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसे हम लोग जो कहते हैं कि आपको टेस्टिंग करिए, ट्रैकिंग करिए और उनकी ट्रीटमेंट करिए, TTT की जो व्यवस्था हमारे बिहार सरकार में की गई है, जो बहुत ही मजबूती से की जा रही थी, वो पुनः प्रतिस्थापित होने जा रही है। लॉकडाउन लगाना ही सिर्फ उपाय नहीं है, अपने आप पर कंट्रोल करना, अपने आप पर अनुशासन को लगाना, ये सबसे बड़ा लॉकडाउन होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव केस जहां दिख रहे हैं उनके माइक्रो कंटेनमेंट एरिया यानी बहुत बड़े क्षेत्र में 1 किलोमीटर को बंद नहीं करना है, लेकिन 100 मीटर तक या 50 से 100 मीटर तक जरूर बंद कर देना चाहिए इनको, आसपास को, और उनको वहाँ से निकलना नहीं देना चाहिए। 14 दिन के उनको कंटेनमेंट में जरूर रखना चाहिए और जिन जिन लोगों के संपर्क में वो पिछले 7 से 10 दिनों के बीच में आए हों उनको, उनकी ट्रैकिंग कर, उनके टेस्ट करना है और पॉजिटिव केस आने से उनके ट्रीटमेंट को करना है। ये मेरी गुजारिश है और जनता से अनुरोध है कि वो ये ना भूलें, इस गफलत में ना आए
कि अब होली आ रही है, पर्व हो रहा है, शादी ब्याह का मौसम चल रहा था, अलग अलग फंक्शंस होते हैं और लोग भीड़ भाड़ जमा करने में अपनी शान समझते हैं। ये गलत है, इससे दूर रहिए, नहीं तो किस शान में कहाँ गुस्ताखी हो जाएगी और कौन कोरोना से चला जाएगा, ये अफसोस करने की बात होगी। यह सभी दूसरे राज्यों से भागलपुर आए थे। वहीं डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि कोरोना के अचानक बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना जांच टीम सैंपल लेकर उस क्षेत्र में जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि जिले में किसी भी प्रकार की समारोह और होली मिलन समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा, साथ ही मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील भी लोगों से की है।